सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। दुनिया में एक ही चीज फ्री मिलती है, वो है टेंशन। जो इससे दूर रहता है वही सफल होता है। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, स्वयं अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। मैं क्या लिखूं आपकी तारीफ में, है बजरंग बली। पानी भी अगर आपको देख ले तो वह भी प्यासा हो जाए। एक अच्छा रिश्ता इस मस्त हवा की तरह होना चाहिए, खामोश मगर हमेशा आस पास। आज का पंचांग 23 जनवरी 2024, दिन मंगलवार, पौष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, रात्रि 8:39 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आद्रा नामक नक्षत्र सुबह 6:26 तक रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वसु नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 12:17 से 1:02 तक रहेगा। आज का राहुकाल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 3:21 से 4:42 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से 6:25 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगे। मिथुन राशि 23 जनवरी 2024, दिन मंगलवार। पिता के जैसा कोई व्यक्ति यात्रा में आपको कंपनी दे सकता है। अपने लक्ष्यों को टटोलने के लिए समय का सदुपयोग करें। जल्दी ही एक नए करियर का अवसर पैदा होगा। अचानक मिले अच्छे भाग्य का आनंद लें। कोई नई शुरुआत करने के लिए आज के समय सर्वोत्तम है। बिना सोचे समझे समस्या को सुलझाने की कोशिश ना करें। आपके उत्सुकता जीवन को बदल सकती है। आज आपकी ऊर्जा बहुत अधिक रहेगी, इसीलिए किसी भी परिवर्तन से पहले सोचें। वह इंसान कभी सफल नहीं होता जो रास्ते पर नहीं बल्कि उसमें आने वाली दिक्कतों के बारे में सोचता है। आज आप अपने व्यक्तिगत तथा रुचिपूर्ण कार्यों में अधिक से अधिक समय व्यतीत करेंगे। मानसिक रूप से बहुत ही सुकून और राहत मिलेगी। विद्यार्थियों को अपनी किसी उपलब्धि को हासिल कर लेने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और परिवार में भी प्रसन्नता रहेगी। कठिन समय में जो लोग आपका साथ देते हैं उनकी संगत में रहें, अपनी गलतियों को सुधारें। अगर सतर्कता बनाए रखेंगे तो गलतियों को टालना आपके लिए संभव है। जरूरी निर्णय लेने से पहले दोबारा विचार करने की जरूरत है। जिन बातों के लिए आप मानसिक रूप से तैयार हैं, केवल उनसे संबंधित जिम्मेदारी स्वीकार करें। रिलेशनशिप से जुड़ी हुई नकारात्मक बातें दूर होगी। योग्य रिलेशनशिप का चुनाव आपके द्वारा किया जाएगा। सावधानियां। बच्चों की किसी गलत बात पर डांटने फटकारने की बजाय प्रेम पूर्वक समझाने का प्रयास करें। आपकी किसी जिद अथवा अहम की वजह से मामा पक्ष के साथ संबंधों में खटास आ सकती है। वैद्य की मौज मस्ती और संगति में समय नष्ट ना करें। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने में पति पत्नी का भरपूर योगदान रहेगा। युवा वर्ग व्यर्थ के प्रेम संबंधों में समय नष्ट ना करें। पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के कारण आपके लिए कार्यस्थल और रोमांटिक जीवन में समस्या भी आ सकती है। प्रेम की बगिया में बाहर के लिए इसे प्यार और विश्वास से सींचें। आपका धार्मिक झुकाव आपको धर्म स्थान, गुरु शरण या यात्रा के लिए ले जा सकते हैं। नए संबंधों की शुरुआत के लिए यह समय उपयुक्त है। चाहत में उतावलापन स्वाभाविक है, किंतु ध्यान रहे कि इससे रिश्ते सुधरे बिगड़े नहीं। अच्छा, आपकी ऊर्जा का स्तर उच्च होगा, किंतु किसी भी तरह की प्रतिबद्धता से पहले दो बार सोच जरूर लें। आज कुछ ऐसा करें कि आपकी प्रेम कहानी एक रोमांटिक मोड़ ले ली। बात करते हैं करियर की। करियर में बदलाव और उच्च शिक्षा आज आपकी प्राथमिकता है। विदेश यात्रा या संपर्क आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। अभी जीवन के विभिन्न पहलुओं के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। दुर्घटनाओं की संभावनाओं के चलते अपने यात्रा पर प्रतिबंध लगाएं। आपकी किस्मत के सितारे आज उज्जवल हैं। आत्मविकास के लिए और नए प्रोजेक्ट को शुरू करने व नई नौकरी के लिए आपका यह समय उत्तम है। अपनी जीवन शैली और आदतों में थोड़ा सा बदलाव आपके लिए और भी लाभदायक हो सकता है। बस दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं और समझौतों से बचें। कारोबार में किसी भी नए कार्य को शुरू करने के लिए अभी समय ज्यादा अनुकूल नहीं है। पार्टनर संबंधित व्यवसाय में आपसी तालमेल में कुछ दिक्कतें आ सकती है,
किसी भी कार्य को लेकर पारदर्शिता रखना जरूरी है। ऑफिस के फाइनेंस संबंधित कार्यों को करते समय सावधानी बरतने की भी जरूरत है। बात करते हैं सेहत की। गैस और बदहजमी की वजह से स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उठ सकती है। हल्का खान पान ले, योग और मेडिटेशन भी इसका उचित इलाज है। शारीरिक कमजोरी तकलीफ का कारण बन सकती है, ख्याल रखें। आज का उपाय। आज आप हनुमान भगवान जी के समक्ष चमेली के तेल से दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।